फटा 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। भारत तक अब नए अंदाज में। सार्क सम्मेलन करवाने के लिए पाकिस्तान बेचैन है और वो इसके लिए भारत के आगे गिड़गिड़ा भी रहा है। मैं रीइटरेट करता हूं इनविटेशन टू ऑल सार्क मेंबर्स एंड पाकिस्तान इज विलिंग टू होस्ट द नेक्स्ट द 19th सार्क समिट इन इस्लामाबाद। अगर हिंदुस्तान नहीं आना चाहता तो वो वर्चुअली शामिल हो जाए, अगर उनको यहां फिजिकली आने में दिक्कत है तो वर्चुअली शामिल हो जाए। पाक के विदेश मंत्री चाहते हैं कि सार्क देशों की बैठक में भारत आए या फिर ऑनलाइन ही जुड़ जाए, और तो और वो चाहते हैं कि दूसरे देशों को वो इस बैठक में शामिल होने का मौका दे। हमारी नजर में सार्क एक इंपॉर्टेंट फोरम है रीजनल कोऑपरेशन के लिए, रीजनल इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, रीजनल ट्रेड के लिए, और हिंदुस्तान की हठधर्मी की वजह से ये फोरम सफर कर रहा है। अगर हिंदुस्तान नहीं आना चाहता तो अब तो नए जराए आ गए। हम दावत देते, मैं रीइटरेट करता हूं इनविटेशन टू ऑल सार्क मेंबर्स एंड पाकिस्तान इज विलिंग टू होस्ट द नेक्स्ट द 19th सार्क समिट इन इस्लामाबाद। अगर हिंदुस्तान नहीं आना चाहता तो वो वर्चुअली शामिल हो जाए, अगर उनको यहां फिजिकली आने में दिक्कत है तो वर्चुअली शामिल हो जाए, लेकिन बाकियों को तो ना रोके, बाकियों को तो आने दे और इस फोरम को बेमानी और बेवकत न करे। लेकिन हमने कोशिश की है कि इस फोरम में जो इमरजेंसी COVID-19 का जो इमरजेंसी फंड है उसको हम आगे लेकर चले। हमने मेडिकल इक्विपमेंट भी दिया है, हमने असिस्टेंस भी प्रोवाइड की है टू श्रीलंका, टू नेपाल, टू बांग्लादेश एंड मालदीव्स बांग्लादेश। पाक के विदेश मंत्री का ये बयान बताने समझाने के लिए काफी है कि पाकिस्तान किस बेचैनी से घिरा हुआ है। पाकिस्तान जब तक आसपास में सकारात्मक माहौल नहीं बनाता तब तक उसके लिए मुसीबत बनी रह सकती है। ऐसे में वो चाहता है कि 19वें सार्क शिखर सम्मेलन की वो मेजबानी करे। सार्क अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान और श्रीलंका का एक क्षेत्रीय संगठन है। ये साल 2016 से बहुत प्रभावी नहीं रहा है और इसकी आखिरी बैठक साल 2014 के बाद नहीं हुई है। सार्क शिखर सम्मेलन पर कुरैशी का यह बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पिछले महीने के बयान के बाद आया है, जब उन्होंने ये उम्मीद जताई थी कि उनका देश सार्क शिखर सम्मेलन की राह में पैदा किए गए आर्टिफिशियल बैरियर को हटाए जाने के बाद इस बैठक की मेजबानी करेगा। साल 2016 में सार्क शिखर सम्मेलन मूल रूप से 15 से 19 दिसंबर के बीच इस्लामाबाद में होने जा रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर के उरी में उस साल 18 सितंबर को भारतीय थल सेना के एक शिविर पर आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद भारत ने मौजूदा परिस्थितियों के चलते सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद कई और देशों ने भी इस सम्मेलन में आने से हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद वो सम्मेलन स्थगित हो गया। और अब एक बार फिर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो शिखर सम्मेलन बैठक आयोजित कर पाए। वैसे भारत किसी भी दूसरे देश की विदेश नीति में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से ये बताया कि दूसरे देश भारत के प्रभाव में हैं, वो सारी की सारी खुद ब खुद कहानी समझा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।